अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है। समस्या इसी बात की है बेटे, बस वो होने है राजा कथा का, ये रानी सूटर है भी नहीं है। राजा तो सुन रहे हैं, हुई वे करी। चलिए घर, कोई बात नहीं है। कलाकार कहीं से भी बुलाया जा सकता है, पूरे भारत में कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन बस व्यवस्था देने की जरूरत है। हेलो, हेलो, आइए। जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है, हाँ हाँ, तो हमारे सनातन धर्म की मान्यता है चंद पंक्तियां देवादि देव महादेव कृष्णपुत्र बाबा श्री गणेश के चरणों में, तदोपरांत चंद पंक्तियां आराध्या माता सरस्वती के चरणों में, और फिर संपूर्ण रात्रि आप सुनते हैं सवाल जवाब जवाब सवाल। जवाबी कीर्तन एक ऐसी विधा है जो सिर्फ शाब्दिक आनंद है। इसमें राम जी मुकुट रख के नहीं आते, बजरंग बली गदा लेके नहीं आते, इसमें सिर्फ शब्दों का ही चयन होता है, शब्दों की ही मारामारी है, साहित्य का ही आदान प्रदान होता है, विशेषकर आडंबर से बचने वाली विधा है। आइए चलाऊं, पहले चंद पंक्तियां, इस सीटी ही बजती रहेगी आपकी। हेलो, 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 बिल्कुल काम वही है जो आप तमाम। हेलो, 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 हो तुम अभय दीन वरदान, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य शम प्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। आइए, वैसे भी भगवान गणेश को बुलाते हैं कैसे कैसे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बुलाया, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद श्याम पी मंगलानाम चकर्तारो
वंदे वाणी वंदे वाणी वंदे वाणी विनायक। आइए भगवान गणेश को बुलाया, हे विघ्नराज आप आमे और सीटी को बंद कर दे। पप्पू भैया आप इशारा कर रहे हो, हम गा रहे हैं आपकी बात पे, हम गाते जाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग चले जाएंगे यहां से थोड़ी देर बाद, ये मान लो आप। कारण ये है, जवाबी कीर्तन अखाड़ची गाना है, इसमें ये थोड़ी है कि धीरे धीरे श्री राम जय राम वाला काम है नहीं है, इन तो ताकत लगती है, समझते हो आप, ये सब व्यवस्थाएं नहीं तो कोई मतलब नहीं उसका। आइए चलाओ, चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं आराध्या माता सरस्वती के चरणों में। भक्त जाता है और माँ से कहता है, माँ क्या तो तू ही ममता, भैया हमको रत्ती नहीं समझ में आ रहा हम क्या गा रहे हैं, और जब तक हमको हमारी बात समझ में नहीं आएगी कोई मतलब नहीं है। टूटे स्वर साज से और सूक्ष्म आवाज से, स्वर सरगम सजाने की कोशिश करूं, मैं गायक नहीं, मैं गायक नहीं, हो मैं गायक नहीं, मैं गायक नहीं, किसी लायक नहीं, फिर भी गाने बजाने की कोशिश करो, मैं गायक नहीं, गायक नहीं, फिर भी गाने बजाने की कोशिश करो, गायक नहीं। प्रथम पुष्प समर्पित है माता रानी के चरणों में। मैया कहीं कोई धूप चंदन बंदन अग्यारी नहीं है, सत्तों के चंद सुमन आपके चरणों में समर्पित कर रहा है शंभु बोलचल। मां मैं गायक नहीं, किसी लायक नहीं, फिर भी गाने बजाने की कोशिश करो, कुमार तिवारी जी आप शिक्षक हैं, आपकी ओर से बहुमूल्य 21 रुपए के इसने आया है समनी मनी तिवारी जी, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और ये बहुमूल्य 21 रुपए का इसने परम श्रद्धे बड़े भाई पप्पू तिवारी जी आपकी ओर से आया है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। और 101 रुपए का प्रेम प्रसून शमनी
माननीय चाचा श्री विष्णु प्रताप त्रिपाठी जी आपकी ओर से आया है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए मंगल कामनाएं हैं। मैं गायक नहीं किसी लायक नहीं, फिर भी गाने बजाने की कोशिश करो। राजू शुक्ला जी होटल हंस राज आपकी ओर से 21 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है राजू भैया। भगवान भोलेनाथ से यही कामना करूंगा, अभी आप राजू हैं फिर राजा बन जाएं। आइए चलाऊं। अरे चंद शब्दों दुनिया का कोई व्यक्ति हो कर सकता है जिसको जितना ज्ञान है। अपनी ताकत से ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 20 किलो वजन उठा सकता है तो उस पर आप 50 किलो रखेंगे दिक्कत होगी। तो चंद शब्दों से तेरा सम्मान है और कर सकता है जिसको जितना ज्ञान है। मान है ध्यान है ये लाल आज्ञान है। तो मां जीव जगता नहीं मन ये लगता नहीं, क्योंकि मन से ज्यादा गतिमान कोई नहीं है दुनिया में। इसलिए जीव जगता नहीं मन ये लगता नहीं, मन तुम्ही में लगाने की कोशिश करो। सदा सदाचार दिया करती है माँ, ममता व प्रबल प्यार दिया करती है माँ। की दया से मिलता है प्रीति व स्नेह का उपहार। ये माँ ही तो संस्कृति आचरण और संस्कार दिया करती है, क्योंकि माँ वर्णमाला का एक अक्षर है। आदरणीय सम्मानित तिवारी जी, हाँ बेटे जरा सुनेंगे। माँ वर्णमाला का एक अक्षर है पा फा बा भा मा, और जब आ की मात्रा और चंद्र की बिंदी लग जाती है तो माँ एक शब्द हो जाता है। व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है माँ और व्यक्ति की प्रथम गुरु है माँ। लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा, अगर आप संधि विच्छेद कर दे तो गुरु पूर्ण माँ। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। धूप में छाओ की ओट आई तो नहीं, ऐ मेरे लाल तेरे सीने में कहीं खोट आई तो नहीं। और जिस दम माँ के दिल को लेकर गिर पड़ा ये माँ का लाल, तो उस दिल से आवाज आई मेरे बच्चे तेरे कहीं चोट आई तो नहीं। आइए चंद पंक्तियां प्रस्तुत है, कहना है। अरे सब लगे हैं you
स्वागत है आपका। ये बहुत ही परम स्नेही भाई हैं कामता यादव जी, आपकी ओर से 21 रुपए का स्नेह आया है। सम्मानी कामता यादव, आपकी रक्षा करें मुरली माधव। अब आप हमारी अगली पंक्ति साधो, प्रयास कीजिए आदरणीय कामता भैया। अरे सब लगे हैं बड़े ही लगाव से, तो सभी परिचित हैं तेरे प्रभाव से। अरे भाव से चाव से ना दुरा भाव से, तो जग में पल पल तेरी क्या बात है, और है हल चल तेरी। मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपका है माता रानी। तो जग में पल पल तेरी, और है हल चल तेरी। और जब आपकी हलचल है तो शंभू हलचल सोच रहा है क्या। जग में पल पल तेरी, और है हल चल तेरी। मैं भी हल चल मचाने की कोशिश करो, शुक्ला जी आपकी ओर से 25 रुपए का स्नेह हमारे लिए, और 25 रुपए हमारे साथ नाल प्रसंगत कर रहे हैं भैया रमाकांत तूफानी जी के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है शुक्ला जी। मैं गायक चलो, जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले माता भवानी माता सरस्वती के चरणों में चला जाता है, क्योंकि अगर माना चाहे तो गाना तो बहुत बड़ी बात है, इंसान बोल भी नहीं सकता। तो मैं भी माता रानी को मना रही हूँ कि हे माता रानी, आज हमारे भैया पप्पू भैया के यहाँ जो ये कार्यक्रम है सुंदर सा जवाबी कीर्तन का, इसमें किसी प्रकार की व्यवधान विघ्न बाधा ना आए, तो भगवान गणेश और माता सरस्वती को मना रही हूँ ये कार्यक्रम सुंदरता से सफल हो जाए, ये कामना लेकर माता रानी से कहना है क्या बटे? लेकिन हेलो भैया, इसका वॉल्यूम कम कर दें, पेटी का वॉल्यूम कम कर दें, बाजे का कम कर दें। देखिए इसकी आवाज हो सके तो इसमें डाल दें, आदान प्रदान कर दें। तो सबसे पहले विघ्नों के हर्ता भगवान गणेश को मनाएंगे, लेकिन एक निवेदन के साथ, जब ये कीर्तन होता है तो देखिए कीर्तनकार बहुत छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, मान लीजिए जो पल्ला वजनदार होता है वो नीचे होता है, जो हल्का पल्ला होता है वो ऊपर होता है, तो जो वजनदार व्यक्ति हैं, श्रोता हैं हमारे, वो वजनदार नीचे हैं, हम लोग तो हल्के हैं। लेकिन एक निवेदन है आप लोगों से कि माता रानी की वंदना हम लोग करेंगे साज और आवाज से, लेकिन अपने भाव आप लोग भी मिला लें, ताकि वो वंदना हमारी और आप सबकी तरफ से हो जाए। तो मनाते हैं सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र बाबा गणेश को, ताकि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। महामहिमा सुर नायक से सिर ना
पद पंकज शीस नवाते रहे, तो रस रंग करे इतनी विनती, बिन विघ्न हरि ही धाते रहे, तो नित मंगल मोद मनाते रहे, मनमोहन के गुण गाते रहे। आइए बाबा गजानन, आप जहाँ कहीं हैं आज मंच आसीन हो जाइए, अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम बच्चों पर बरसाइए। कोटि के प्रणाम कर रही हूँ बाबा गणेश जी के चरणों में। जय हो। प्रणाम की श्रृंखला में प्रणाम कर रही हूँ शक्ति को जिसने हमको मंच पर बोलना बैठना सिखाया है। तो कहना है कि गुरुवर मोहिना विसारियो, चाहे लाख जने मिल जाए, मौसम तुमको लाख है मोको ना। बार बार प्रणाम कर रही हूं गुरु जी के चरणों में। आइए जब माता रानी को मनाते हैं तो कहना है माँ, हम बच्चों में वो शक्ति नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है कि हम आपको मना सकें, लेकिन माता रानी हम अबोध हैं, नादान हैं और आपके बच्चे हैं, जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं। बिल्कुल। तो माता रानी को मनाते हैं कैसे बेटे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणु कृपा रूपेणु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी से निवेदन के हैं, माता रानी आज इस बिटिया की लाज आपके हाथों में। बिल्कुल बेटे। क्योंकि यहाँ बड़े महान कीर्तनकार शंभू भैया जी से हमारा गाना बजाना है और बहुत ही गुड़ी जन यहाँ पर हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं। तो हे माता रानी निवेदन है कि मेरे मंच और हृदय और वाणी में विराजमान हो जाए माता रानी, ताकि आज मेरे मुख से कोई ऐसा अना शब्द ना निकले जो मेरे भाई शंभू भैया को और आप लोगों को कहीं किंचित मात्र भी ठेस पहुंचाए। तो निवेदन है, हालांकि फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत अच्छी धुन निकाली है और वंदना में धुन गाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो धुन फिल्मी दुनिया वालों ने निकाली है वो किसी वंदना से कम नहीं है। तो गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे? कि कोई पुकारे किसी नाम से,
कि मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं ये जानती हूँ कि माता रानी के चरणों में जो भी गया है उसने कुछ ना कुछ पाया है। तो हे माँ, मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ। आज तन मन धन सभी तुमको समर्पण कर तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। तो कहना माँ, हे मैया, अपने अवोध को अवोध दे दे, कामता यादव जी मोहनपुर से पधारे हैं आप। देखिए नाम कितना सुंदर, कामता नाथ और मोहनपुर। आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। देखिए पुरस्कार बाद में भी बोले जा सकते हैं, पहले माता रानी की वंदना होनी चाहिए। बिल्कुल बेटे। तो कहना है क्या बेटे? अपने अवोध को अवोध दे दे, अपने तेरे दर पर हो
बार निवेदन के साथ